हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, मैं एक प्रतिक्रिया महाराज जी की भी ले लेता हूं। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका। महाराज जी, इस घटना के बाद से रोंगटे खड़े हो गए सबके। लोग कहने लगे, भाई साहब क्या मानसिकता है, कुछ तो बता रहे हैं। अभी विवेक भाई ने बताया समाजवादी पार्टी के, बोले गुरु गला काट के खून भी पी गए। सुनील जी, सबसे पहला जी मन इतना व्यथित है जी कि इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना भी लगता निःशब्द हूं जी। और इस समाज पर तरस भी आती है, ये कहां जा रहे हैं भाई। हम तो चाहते हैं कि आपका भी अधिकार है, आप भी आगे बढ़ो। इनकी मानसिकता ऐसी होने के पीछे एक रिसर्च, एक अनुसंधान की आवश्यकता है। विशेषकर जितने धर्मगुरु हैं, मुफ्ती साहब से मैं बोलूंगा, यहाँ मात्र चैप्टर क्लोज नहीं होता है। ये मानसिकता आई कहाँ से, ऐसा कौन सा प्रशिक्षण मिलता है, ऐसा किस वातावरण में ऐसे लोग हैं जी। वो तो चला गया साबित, लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि आज के बाद फिर कोई दूसरी घटना आएगी, डिबेट करेंगे, बातें खत्म हो जाएगी जी। इसके लिए समाज के अगुवा धर्मगुरु क्या करते हैं या हमें क्या करने की आवश्यकता है, तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा मुफ्ती साहब कि इस पर अवश्य विचार करनी चाहिए। ठीक है, हम इसकी प्रतिक्रिया देकर समाप्त कर लेते हैं आपका दिन जी। क्या ये पर्याप्त है क्या जी? ऐसी कौन सी गारंटी कि इसकी पुनरावृत्ति फिर नहीं होगी, कभी सूटकेस में, कभी रेलवे ट्रक में, कभी अस्तूरा, कभी दर्जी का। ये तो एक लंबी फेहरिस्त चल रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ऐसे अपराधियों को एक तो गया, बाकी अगर कोई और बचा है जी, तो अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, इसकी ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए और पुलिस इस पर अनुसंधान करे कि इसके पीछे मानसिकता क्या है, कारण क्या है, कहां कहां क्या क्या योजना बनी थी। अगर इसमें कोई भी अपराधी और भी इससे संलग्न है जी, उसे अवश्य निकाला जाना चाहिए जी। उससे और भी कार्य निकलेंगे यह निश्चित है जी। तो और भी दूसरे अपराधी भी निकल सकते हैं, इसकी मानसिकता इसके पीछे, इसको ब्रेन मैपिंग की आवश्यकता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, कि इनकी ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो भी पकड़े जाते हैं उनको पकड़कर निकालकर चिन्हित करके उनकी ब्रेन मैपिंग हो और इसके पीछे इनकी मानसिकता निकाल जाएगी। तो पुलिस सक्षम है निकालने के लिए, पुलिस के कस्टडी में रहे, जब उनसे उगलवाए क्या